तो चलिए आज मैं बनाने जा रही हूँ चने से बनने वाला झटपट से बनने वाला नाश्ता। मैंने इसे भिगो लिया था रात को। ये प्याज काट लिए मैंने, इसमें मिर्ची नहीं डाली, और ये टमाटर भी मैंने दो ले लिए, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और चूल्हा मैंने ऑन कर दिया था। मैं इसमें तेल ऐड कर देती हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बस शुरू करते हैं चना मसाला बनाना। 5 मिनट में तैयार हो जाता है बनके। अब मैं जीरा डाल देती हूँ, तेल गर्म हो चुका है, और राई, जीरा, राई और थोड़ी सी हींग, आप अपने हिसाब से देख लेना, वैसे तो इतना सही है। चलिए अब मैं इसमें प्याज डाल देती हूँ। अब मैं इसको चला लेती हूँ, मिक्स कर लेती हूँ इसको। थोड़ी सी प्याज को हम पक जाने देंगे। मैंने मिर्ची नहीं डाली है, थोड़े से बच्चे को भी खिला देती हूँ इसलिए। तो अभी प्याज थोड़ी पक रही है। से और चला लेती हूँ। आप भी अपने घर वालों को बना के खिला सकते हैं इस तरीके का नाश्ता। तो प्याज हमारी पक चुकी है, अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर देती हूँ। टमाटर पक जाए उसके बाद हम मसाले भी ऐड करेंगे थोड़े थोड़े। अभी मैं टमाटर को चला लेती हूँ। अब हम थोड़ा सा इसको, मैं तब तक एक बार धो लेती हूँ। तब तक टमाटर मेरे पक रहे हैं। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत ही हेल्दी नाश्ता है ये, चाय के साथ ले सकते हैं और चटनी के साथ भी खा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप चटनी के साथ नहीं खा सकते। तो टमाटर हमारे पक चुके हैं, मैं इसमें चने ऐड कर देती हूँ, मैंने धो लिए थे। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ और फिर इसको मिक्स भी कर लूँगी। तब तक पकने के लिए छोड़ दूँगी, फिर मैं थोड़े से पक जाए फिर मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। तो चलिए मैं इसे चला लेती हूँ। तो चलिए पक चुके हैं चने। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी, बस हल्दी पाउडर,
धनिया पाउडर, थोड़ी सी और ऐड कर देती हूँ इसमें। मिर्ची मैंने थोड़ी सी ऐड करी, आप अपने हिसाब से डाल लेना। और नमक तो स्वाद अनुसार ऐड करूँगी मैं इसमें, तो नमक ऐड कर देती हूँ स्वाद अनुसार, अब अपने हिसाब से देख लेना। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, मसाले मिक्स हो जाएं इसके साथ। चलिए मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी और डाल लेती हूँ मैं और चला लेती हूँ। फिर हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। चला के पानी मैंने डाल दिया है, अब मैं बस एक प्लेट से इसको ढक दूँगी, थोड़े से पक जाए। देख सकते हैं थोड़े से पक चुके हैं, बस मैं नींबू ऐड कर देती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है, आप भी ऐड करके देखना, बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे आपको। अब थोड़ी उसी हिसाब से ऐड करना जितना खट्टा आप खाते हो। इसमें बीज गिर गया था नींबू का, वो मैंने निकाल लिया है, अभी देख लेना नींबू का बीज गिर जाए ना, गिर जाए तो निकाल लेना। तो अब मैं इसमें नींबू डाल देती हूँ, फिर मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। चलिए हमारा नाश्ता रेडी हो चुका है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। अब चलिए मैं इसमें धनिया डाल देती हूँ। तो हमारा नाश्ता रेडी बन चुका है गाइस, तो आप बताएं कैसा लग रहा है हमारा नाश्ता है, और आप भी ये डिश ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही हेल्दी नाश्ता है। और चैनल पर नए हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह के हेल्दी नाश्ता देखने के लिए, हेल्दी नाश्ता की रेसिपी देखने के लिए और वीडियो अंत पूरा ज़रूर देखें। थैंक यू।